हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। डिसअपॉइंटिंग पाकिस्तान, क्या कहा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, क्या कुछ नहीं कहा जा सकता, बट दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान। मतलब पंजाब या पकड़ के बांग्लादेश ने और हम लोग तो मतलब वो लोग हैं अपने घर में, भाई हम कुछ नहीं कर रहे, अपने घर में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करने देता, लेकिन हम वो जाहिल टीम है, हम वो जाहिल कौम है जो अपने घर में भी भाई हार रहे हैं। फ्लॉप हो गए एक दफा, फिर बाबर आजम फ्लॉप हो गए, सऊद शकील भी और साइम अयूब और शान मसूद, और अब पाकिस्तान को पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। यार क्या बुलाया है ये, 84 रन 4 विकेट और इसमें 30 ओवर हुए हैं, 30 ओवर लेस देन 3 का 4 रन की औसत से 80 स्ट्राइक बता रहे हैं वो आप। मैं कहा 4 रन की औसत से 1 विकेट गिरी, पहली विकेट अंडे में गिरी। अभी फिर से बाबर आजम आउट हो गया, मतलब के एक तो पाकिस्तान की टीम लंच के टाइम पे क्या टीम थी और टी के टाइम पे क्या हो गया, ये तो ह्यूज कोलैप्स हुआ है। बांग्लादेश ने एकदम से उखाड़ के रख दिया हमारी बैटिंग लाइनअप को, लेकिन बाबर 77 बोले खेल गया, इतना जिसको कहते हैं स्लो खेल रहा था और एट द एंड जब टी होने वाली थी सेकंड लास्ट ओवर में शाकिर की बॉल पे आउट हो गया। बाबर आजम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि सिर्फ फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को यह बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन इन देयर हिस्ट्री ऑफ मोर देन 70 इयर्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। अगेन बाबर आजम a great player, but again great player needs to play a great innings. I mean you can't make yourself a big name, aap usme perform na kare, perform aapko karna padega, aapko batana padega ki aap bade player hain aur aap bade matches mein bade runs kar sakte hain. boxing ghante ka king hai jisko aap kehte hain babar azam king, aur ye aur wo bhai wo aaj bhi kuch nahi karke gaya, mera ghanta aaj bhi kuch nahi karke gaya, karta na wo white lipstick bullet hai, usko to baal bhi nahi samajh aayi kidhar gayi hai. mujhe ye batao babar azam kyun khel raha hai, ये भी धरती का बोझ। अपना पंजाब या पकड़ के बांग्लादेश ने और हम लोग तो मतलब वो लोग हैं अपने घर में, भाई हम कुछ नहीं कर रहे, अपने घर में कोई किसी को डोमिनेट नहीं करने देता, लेकिन हम वो जाहिल टीम है, हम वो जाहिल कौम है जो अपने घर में भी भाई हार रहे हैं, जो अपने घर में भी जलील हो रहे हैं, जो अपने घर में भी किसी से भी आगे बजवा रहे हैं अपनी, और उस टीम का नाम है पाकिस्तान, द वन एंड ओनली पाकिस्तान। हमारे पास कुछ घंटे हैं, कुछ घंटे के किंग है हमारे पास जिन्होंने आज तक परफॉर्म नहीं किया। मतलब 107 पे एक आउट था, 274 पे टीम निपट गई है, तो 107 पे एक आउट था और 211 पे 6 निपट गए थे। बॉब्जी घंटे का किंग है जिसको आप कहते हो बाबर आजम किंग, और ये और वो भाई वो आज भी कुछ नहीं करके गया, मेरा घंटा आज भी कुछ नहीं करके गया, करता ना वो व्हाइट लिपस्टिक बुलेट है, उसको तो बाल भी नहीं समझ आई किधर गई है। मतलब बांग्लादेश ने इनको एक दिन में अपने घर में आउट कर दिया। दूसरी जो सबसे जाहिल बात मुझे इस टीम की लगी है ना, इस टीम की जाहिल टीम है, जाहिल टीम है, दो नंबर टीम है, जाहिल टीम है। इस जाहिल टीम की जो मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात, मतलब बुरी का पता क्या लगी है, एक पीसीबी, पीसीबी ने इनको दिखाया है ग्रीन ट्रैक, कि ग्रीन ट्रैक है, पीसीबी भी घंटे का है, वो भी दो नंबर पीसीबी है, उनको घंटा मेरा पता है कि ग्रीन ट्रैक क्या होता है, और ये वो ग्रीन ट्रैक वो फ्लैट ट्रैक बने, और उस ग्रीन ट्रैक पे जहां फास्ट वाले डोमिनेट करेंगे उधर आके मैं भी हसन मिराज एक स्पिनर 5 विकेट ले गया। मतलब एक ग्रीन ट्रैक पे आके फ्लैट ट्रैक बना के उस पे स्पिनर लेन को बजा दिया हमने कल। क्या कर रहा है बाबर आजम, क्या परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, बाबर आजम क्या कर रहा है मुझे बताओ ना, घंटे के किंग की क्या परफॉर्मेंस है, वो 2 टके का घंटा उसकी क्या परफॉर्मेंस है मुझे बताओ, क्या कर रहा है पाकिस्तान टीम में, उसको निकालो ना, शहीन को निकाल दिया, नसीम को निकाल दिया, शाकिबुल हसन ने बजा दिया पकड़ के घंटे का, 31 रन करके गया, वो 31 में भी भाई वो बजी हुई थी उसकी। फ्लॉप हो गए एक दफा, फिर बाबर आजम फ्लॉप हो गए, सऊद शकील भी और साइम अयूब और शान मसूद, और अब पाकिस्तान को पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। यार क्या बुलाया है ये, 84 रन 4 विकेट और इसमें 30 ओवर हुए हैं, 30 ओवर लेस देन 3 का 4 रन की औसत से 80 स्ट्राइक बता रहे हैं वो आप। मैं कहा 4 रन की औसत से 1 विकेट गिरी, पहली विकेट अंडे में गिरी। अभी सुने आप तमाशा, शान मसूद साहब LBW टिपिकल 50 हो गए, वो साइम अयूब वो कहता है आउट हुआ मैं क्यों रुकूं, ये आउट हुआ मैं क्यों करूं, छक्का मैंने एक और मार लिया। उसके बाद बाबर उसके बाद सऊद शकील ने कहा भाई मैं क्यों खड़ा हूं, मैं तो आउट होऊंगा, वो गए जनाब सऊद शकील साहब, हो गए बोल्ड, वहां बॉल दी अंदर लेके आया, बॉल इधर आ, मेरी स्टंप पे लाकर मुझे आउट कर, और बाबर कर लेंगे, वापसी कर लेंगे। ये बाबर आजम आउट हुए हैं मोहसिन भाई, जिस LBW हुए हैं, खुद ही चला गया था, खुद ही पता लग गया उसको कि मैं आउट हो गया हूं, यहां स्पिनर ये नहीं खेल सकता, फास्ट बॉल ये नहीं खेल सकता, खड़ा ये नहीं हो सकता, बैठ गए, क्यों खिला रहे हो उसको, मुझे ये बताओ बाबर आजम क्यों खेल रहा है। यह भी धरती का बोझ है, फ्रॉम जीरो टू हीरो एंड फ्रॉम हीरो टू जीरो,
ये है पाकिस्तान के क्रिकेट की रियलिटी। ये क्रिकेट कह रहे हैं यार, कौन सी ऐसी बॉलिंग हो रही है, कौन सा पिच में ऐसे डिमल निकल आया, कौन सा पिच में ऐसे सुए बक्सुए, पिच में क्या ऐसा निकल आया जो आपको अनप्लेबल हो गया, क्या हुआ क्या अचानक। इस साली पिच में जब बारिश थी, जब ओवरनाइट मॉइस्चर था, उस वक्त आपने एक विकेट दी पहले ओवर में, उसके बाद आपने पूरा सेशन डोमिनेट किया। यह पूरा सेशन पूरा दिन बांग्लादेश की तरफ चला गया। छोड़े, जलील कराया हमें, क्योंकि हम वही पैदा जलील होने के। अब आप मुझे बताएं क्या करनी है यार आपने कप्तानी, मुझे समझाएं तो सही ना, बाहर में जाना सी कप्तानी यार। रोशन भाई, बांग्लादेश के बॉलर्स को कितना क्रेडिट है? बहुत क्रेडिट। मैं कहता हूं पहले सेशन में जीरो, एक विकेट के बाद जीरो, और दूसरे सेशन में सुपर हीरो। फिर से बाबर आजम आउट हो गया, मतलब के एक तो पाकिस्तान की टीम लंच के टाइम पे क्या टीम थी और टी के टाइम पे क्या हो गया, ये तो ह्यूज कोलैप्स हुआ है। बांग्लादेश ने एकदम से उखाड़ के रख दिया हमारी बैटिंग लाइनअप को। लेकिन बाबर 77 बोले खेल गया, इतना जिसको कहते हैं स्लो खेल रहा था, और एट दी एंड जब टी होने वाली थी सेकंड लास्ट ओवर में शाकिर की बॉल पे आउट हो गया। इससे पहले कितना बचा इतना बचा, लेकिन फिर भी आज लग रहा था कि आज वो दिन आ गया, आज फाइनली बाबर का 50 देखने को मिल जाएगा। लेकिन नहीं, बाबर आजम जिसको कहते हैं ना, पहले फास्ट बॉलर के हाथों आउट हुआ था, अब स्पिनर के हाथों आउट हो रहे। समझ से बाहर है कि भाई मेरा तो दिमाग फट रहा है कि इसको हो तो हो क्या गया है। बाबर आजम नेचुरल गेम नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था, नहीं खेल रहा था। एक उसका जिसको कहते हैं इनसाइड एजो के चौका हो गया, और एक उसने स्ट्रेट का जिसको कहते हैं ना पंच कर दिया था। उसके अलावा बाबर ने कोई चौका मारा ही नहीं। बाबर आजम इतना डर डर के खेलेगा, जब आप अपनी नेचुरल गेम ही नहीं खेलोगे तो फिर आप ऐसे ही आउट हो गए ना। ये पाकिस्तान की टीम का हाल आप देखो कैसे कोलैप्स हुई है, इनसे स्पिनर खेले नहीं जा रहे। इतना ग्रीन विकेट बनाया, फिर बांग्लादेश के स्पिनर इनको पड़ गए हैं। मेहदी हसन मराज इनको पड़ गया, शाकिब उल हसन इनको पड़ गया। ग्रीन पिचेस ये बना रहे, कौन सी ग्रीन पिचेस है भाई, ये कौन सी ग्रीन पिचेस है जिसके ऊपर स्पिनर विकेट लेके जा रहे हैं। समझ से बाहर है, ये कर तो कर क्या रहे हैं। 99 पे इनका एक आउट है, 183 पे इनके 5 आउट हो गए हैं। डिस्कस्टिंग, ये क्रिकेट आपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। सिंपल सी ये है कि बाबर को क्या हो गया, बाबर आजम दुनिया का वाहिद नंबर 1 का प्लेयर बन गया जिसके बगैर 50 की जो स्ट्रीक है वो 15 इनिंग्स की हो गई। इससे पहले विराट कोहली और बाबर आजम इक्वल थे, दोनों को 14-14 इनिंग्स लगी थी, 14 इनिंग्स विदाउट 50 थी इनकी। लेकिन अब बाबर ने विराट को पीछे छोड़ दिया है, और किस चीज के पीछे छोड़ा है, विदाउट स्कोरिंग 50। 15 इनिंग्स बाबर की होगी विदाउट स्कोरिंग 50। दिस इज सो एम्बैरेसिंग। ये रिकॉर्ड भी कौन सा बनाया बगैर 50 घंटे का 15 इनिंग्स लगातार। बाबर आजम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि सर फोकस बाबर आजम के ऊपर क्यों है, दूसरों के ऊपर क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब आपने 2-3 साल पूरे पाकिस्तान को यह बताया कि आई एम द ग्रेटेस्ट बैटर दैट दिस कंट्री हैज एवर सीन इन देयर हिस्ट्री ऑफ मोर देन 70 इयर्स। लेफ्ट आर्म स्पिनर को आप नहीं खेल सकते, पेसर को आप नहीं खेल सकते, कॉन्फिडेंस आपके पास नहीं है। हसन महमूद जो अपने करियर का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, नाहिद राणा जो अपने करियर का तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उनके सामने जिस तरह बाबर आजम आज बैकफुट पे नजर आए, पहले एक सर्वाइवल हुआ तस्कीन अहमद की डिलीवरी के ऊपर जो अंडर एज हुआ, इनसाइड एज हुआ, बाउंड्री की तरफ गया, वहां बाबर को एक लाइफ मिली। आज बाबर के करियर की वन ऑफ द पुअरेस्ट इनिंग्स थी, क्योंकि बाबर आजम जो इतना नेम से मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस शेकअप बाबर आजम का रिसेंट टाइम्स में मैंने नहीं देखा, जो आज बाबर आजम इतने शेकी लगे, इतने अंडर कॉन्फिडेंट लगे, ऐसा लग रहा है कि बाबर को अपनी एबिलिटीज पे यकीन नहीं रहा। ठीक है, बैट टच हर किसी के ऊपर आता है, लेकिन आज जो बाबर आजम ने इनिंग्स खेली है, ये 30-31 रन भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बाबर आजम ये सरवाइव कर गए। और जिस तरह शकीब के ऊपर बाबर आजम ने अपना विकेट दिया, बैकफुट पे खड़े हुए हैं, बॉल कहां पे चोरा है, कौन सी लाइन को वो अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेंथ भी रीड नहीं कर रहे, ऑफ द आर्म भी रीड नहीं कर रहे, इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पुअरेस्ट इनिंग्स दैट आई हैव सीन फ्रॉम बाबर आजम। और बांग्लादेश के स्पिरिट की दाद देनी पड़ेगी कि जब वो लंच पे गए तो लंच के बाद एहसास हुआ उनको कि शायद हम बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे हैं, हमको वापस आना है, हमको बेसिक क्रिकेट खेलनी है। और जिस तरह अपनी लाइन और लेंथ को इन लोगों ने डिसिप्लिन के साथ दोबारा पैक बैक किया, हसन महमूद जो आज पहले सेशन के अंदर बहुत फेवरेट थे, अगले सेशन के अंदर आके जिस डिसिप्लिन के साथ उन्होंने बॉलिंग की, जो प्रेशर डाला, वो तो शुक्र करें कि सऊद शकील स्लिप्स में कैच नहीं हुआ, वरना सऊद शकील को तो परफेक्ट तरीके से ट्रैप किया था, उसका कैच ड्रॉप हो तो सऊद शकील को क्या लाइफ मिली, वरना पाकिस्तान अभी और मजीद ट्रबल में होता जब वो बैक टू बैक 3 विकेट्स गिरती। ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि शायद बाबर आजम क्रिकेट खेलना भूल गए हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपको वीडियो में बहुत ही मजा आया होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी कमेंट करके बताइए ताकि मेरे को पता चले आप कहाँ कहाँ से देख रहे हो। और शोएब अख्तर को तो देखा है उसका रिएक्शन कैसे कर रहा था बाबर के याद होने पर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस मैच की थोड़ी सी डिटेल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच रावलपिंडी के मैदान पर दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसका पहला दिन बारिश का भेद चढ़ गया था।
वहीं दूसरे दिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने तबाही मचा दी फ्रेंड्स। बांग्लादेश की टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को मात्र 274 रनों पर ही ढेर कर दिया, जिसमें मेहंदी हसन मिराज के नाम 5 विकेट रहे। वहीं एक साल बाद टेस्ट मैच में वापसी करने वाले तकसीम अहमद को भी 3 विकेट मिले। फ्रेंड्स, दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के फैंस को बाबर आजम के बल्ले से अच्छी पारी देखने की उम्मीद थी, जिस पर बांग्लादेश के साकिब अल हसन ने पानी फेर दिया। बाबर आजम को आखिरी बार टेस्ट मैच में 50 प्लस का स्कोर बनाए हुए 614 दिन से ज़्यादा हो गए। टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे पाकिस्तान की टीम को पहला झटका पहले ओवर में ही लग गया था। अब्दुल्ला सफीक बिना खाता खोले हुए तस्कीन अहमद की गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद सईम अयूब ने और कप्तान शान मसूद के बीच 107 रनों की शानदार साझेदारी देखने को मिला दोनों के बीच, जिसको स्पिनर गेंदबाज मेहंदी हसन ने मसूद को आउट करते तोड़ दिया इसकी दोनों की पार्टनरशिप को। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए बाबर आजम क्रीज पर आए। इस पारी में उनको भी अच्छी शुरुआत मिली, लेकिन वो उससे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। 33 रन के स्कोर पर बाबर आजम को साकिब अल हसन ने अपने जाल में फंसा लिया। पारी में पाकिस्तान की तरफ से 3 अर्धशतकीय पारी देखने को मिली, जिसमें सईम अयूब ने 58 रन, शान मसूद ने 57 रन, वहीं आगा सलमान के बल्ले से 54 रनों की शानदार पारी देखने को मिली। अब बांग्लादेश की पकड़ टेस्ट मैच में काफ़ी अच्छी हो गई है। अगर उसकी टीम ने पहली पारी में बढ़त हासिल कर लेती है तो उसके पास पाकिस्तान को क्लीन स्वीप करने का सबसे अच्छा शानदार मौका होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।